हे गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। मैं हूं रोहन कुमार राय और मेरे नाम से मिलते जुलते एक एक्टर हैं जिनका नाम है राजकुमार राव। और इस हफ्ते उनकी एक फिल्म आएंगी जिसका नाम है ट्रैप्ड। और ट्रैप्ड के बारे में यार, आई थिंक इट विल बी सेफ फॉर मी टू से फॉर स्टार्टर्स कि भाई ये फिल्म एक बड़े ही यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है। मतलब फिल्म इज अबाउट अ मैन जो मुंबई में प्रभा देवी एरिया में रहते हैं, एक हाई राइज में, और वहाँ पर वो अटक जाते हैं। अब भाई यू नो, किसी महापुरुष ने एक ज़माने में कहा था अबाउट द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। और थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? दैट इफ़ यू डोंट एन्जॉय डूइंग समथिंग और इफ़ यू डोंट लाइक बीइंग विद समवन, तो आपको ऐसा लगता है कि आप हो गए हो ट्रैप्ड। लेकिन क्या फिल्म देखते हुए ऑडियंसिस को ऐसे फील होगा दैट दे आर ट्रैप्ड? वेल, टू बिगिन विथ, जैसा कि मैंने कहा, फिल्म का कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फिल्म का कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक, तो इसलिए इस फिल्म को या ऑडियंस को मिलती है एक फ्रीडम की चाबी, द फ्रीडम ऑफ वॉचिंग एन ऑसम कॉन्सेप्ट। वैसे कहानी यानी कि जो स्टोरी है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट अमेजिंग। यू नो, इनफैक्ट इट्स लाइक अ सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म। लेकिन द फिल्म ऑल्सो ब्रिंग्स होम पॉइंट्स लाइक अगर अंदर का जानवर जाग जाए तो क्या होता है, या फिर लविंग एंड लेटिंग गो, वगैरह वगैरह वगैरह। और अब बात करें अगर फिल्म के परफॉर्मेंसेस की, तो फिल्म की परफॉर्मेंसेस तो हैं अमेजिंग। अब देखिए, राजकुमार राव इज़ सुपर ऑसम, लेकिन इनके अलावा गीतांजलि थापा, जिन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया, उन्होंने वो भी बहुत ही बखूबी निभाया। तो भाई ऑडियंस को मिलती है और एक चाबी, द चाबी ऑफ फ्रीडम, जो कि है मतलब द फ्रीडम ऑफ वॉचिंग सम सुपर ऑसम परफॉर्मेंसेस। एंड भाई अगर डायरेक्शन की बात करें, तो भाई विक्रमादित्य मोटवानी साहब की डायरेक्शन में ये फिल्म तो और भी ज़्यादा उभर जाती है। और अब अगर बात करें ट्रैप के सिनेमाटोग्राफी की, तो भाई सिनेमाटोग्राफी के कारण ये फिल्म जो है वो बन जाता है एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब द कैमरा एंगल्स तो आर माइंड ब्लोइंग। तो इसी की वजह से ऑडियंस को मिलती है एक और चाबी ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की चाबी, एंड दैट इज टू वॉच सम एक्सेलेंट कैमरा वर्क। इनफैक्ट आई शुड ऑल्सो ऐड कि मुझे बड़ी खुशी हुई फिल्म को देख के कि यार इसमें ना CGI मतलब एकदम ना के बराबर ही, आप समझो। मतलब इससे पता चलता है कि जो फिल्म का क्रू है उनका डेडिकेशन लेवल क्या लेवल के ऊपर है। और ये ऐसी डेडिकेटेड फिल्म जब आप देखते हैं तो यू नो, एज एन ऑडियंस आपको लगेगा कि आप बंद थिएटर में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे फिल्म देख रहे हैं। नॉट लिटरली बट फिगरेटिवली, कहने का मतलब द ऑडियंस विल एक्चुअली फील लिबरेटेड ऑन वॉचिंग सच अ फिल्म। अब भाई देखो, तारीफें तो मैंने बहुत कर दी, लेकिन फिल्म में एक छोटा सा फ्लॉ भी है, और वो फ्लॉ ये है कि द फिल्म बिकम प्रेडिक्टेबल आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। लेकिन यार, जब इतनी अच्छी फिल्म बनी हो तो हम ये सब इग्नोर करते हुए फिल्म को देते हैं एक और कॉम्प्लीमेंट्री चाबी, द चाबी ऑफ फ्रीडम। तो बेसिकली कहने का मतलब है, देखो भाई, फिल्म मेरे को तो लगा बहुत अच्छी बनी है। आई एम सो श्योर अगर आप भी जाएंगे देखेंगे तो आपको भी फिल्म देख के बड़ा मजा आएगा। और हाँ, ये फिल्म देखने के बाद में आई एम सो श्योर एक चीज़, एक सबक तो आप डेफिनेटली सीखेंगे, एंड दैट इज़ द फैक्ट कि चाहे आप आधे मिनट के लिए अपने घर में क्यों ना जा रहे हो, अब से आप अपने घर की चाबी अपनी जेब में जरूर रखेंगे। खैर, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी सेइंग बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट, स्टे फिल्मी। और हाँ यार, मतलब आपको ये फिल्म कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, वेदर यू फेल्ट ट्रैप्ड, वेदर यू फेल्ट लिबरेटेड एज एन ऑडियंस, और मेरा रिव्यू कैसा लगा ये भी अगर आप बताएंगे कमेंट्स में, हाय हेलो के अलावा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।